होप पैनेसिया हॉस्पिटल पे जो विवाद हुआ उसमें माननीय सांसद कमलेश पासवान के ऊपर भी FIR दर्ज कराया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? सही आपने सवाल किया। होप पैनेसिया विदित 22 जून की घटना में जहां तक मेरी जानकारी है, इसके पूर्व में एक डायरेक्टर बोर्ड के कमेटी के रूप में यह होप पैनेसिया संचालित था, जिस क्रम में बाद में बोर्ड की जो भी शर्तें अपना हुआ उसमें बोर्ड की जो किसी को निकालना ये नियम के अनुरूप कार्य किया गया हो, और उस क्रम में बोर्ड के सदस्य का जो नए सदस्यों की चयन के आधार पर पूर्ण रूप से वो हॉस्पिटल को आम मरीज के हितों में ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा था। इसी बीच जो 22 तारीख की घटना है, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि विजय पांडे जी उसमें डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर है, लेकिन एक बोर्ड की जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत उनको उस हॉस्पिटल में अपनी भूमिका सुनिश्चित कराना चाहिए, ना तो किसी एक दंगा के रूप में, दंगाई के रूप में वहाँ पर सुनिश्चित कराना चाहिए। उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि 22 तारीख को घटना हुआ, वो विजय पांडे जी और उनके अन्य साथी के द्वारा खुले तौर से बाहर एक दंगा के रूप में किया जा रहा था। उसी बीच जो बास गांव के यशस्वी लगातार 3 बार सांसद आम जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित, उस बोर्ड के अंतर्गत वो भी एक सदस्य निर्वाचित हैं, उस हैसियत से उन्होंने कहा कि बाहर किसी भी तरह का कोई दंगा ना हो जिससे आम पब्लिक को और आम किसी भी मरीज को कोई दिक्कत हो, कहने के लिए गया कि भाई आप लोग बाहर ना कोई विवाद करें, अंदर बैठ करके बोर्ड की हैसियत से आपस में बैठ करके उसको समझा जाए। परंतु उनकी मंशा जो विपक्षी हैं श्री पांडे जी, उनकी स्पष्ट मंशा दिख रही थी, जो वीडियो वायरल है स्पष्ट उसमें दिख रहा है, उनको सीधे सीधे एक दंगा के रूप में विवाद करने का रूप लेना था। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के सांसद को ललकारते हुए, सिर्फ उनको ही एक, अब शब्दों की बात नहीं किया गया, पूरी उनकी जात समुदाय के प्रति उनके द्वारा एक अपशब्द कहा गया, जो जात सूचक के तहत मुकदमा पुलिस प्रशासन ने दर्ज किया। परंतु मैं वहां पे निंदा जरूर करना चाहूंगा कि प्रशासन का, जिस दिन की घटना है उसी दिन से वीडियो वायरल था, अगर ये पूर्ण रूप से साच था फिर भी तत्कालिक तहरीर देने के बाद क्यों नहीं उसको मुकदमा दर्ज किया गया, तत्काल उसको दर्ज करना चाहिए। और अगर दर्ज हुआ 2 दिन बाद तो विपक्षी के द्वारा जो कोई भी उनके द्वारा लगाए गए लांछन कोई भी साक्ष्य नहीं था, और साक्ष्य न होने के बावजूद एक गंभीर धाराओं में जो लगातार इस 3 बार सांसद रहा हो, 1 बार विधायक रहे हो, और जिसका परिवार आज से नहीं पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है कि आम जनता की सेवा करते करते, उनके पिताजी को आपको याद होगा कि आम जनता की सेवा करते करते वो शहीद हो गए इसी बांसगांव लोकसभा की धरती पर, ऐसे परिवार के ऊपर एक गंभीर धाराओं में जो डकैती, 5,000 रुपए लूट और एक सोने की चैन छिनैती का गंभीर धाराओं में दर्ज कराना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये सही दिशा में कार्य किया गया। अच्छा, वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहूंगा कि ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद होने के नाते अगर इस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा गलत कार्य किए गए हैं, गलत धाराओं में दर्ज किए गए, तो उस मुकदमे को तत्काल वापस लेना चाहिए। मैं सिर्फ ब्लॉक प्रमुख के हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, वो जात विशेष की बात उन्होंने किया है, जो गाली दिया है उस हैसियत से मैं भी अनुसूचित जात के तहत आता हूँ, उस हैसियत से भी मैं मांग करता हूँ।